वायरस के प्रकोप के चलते लॉकडाउन के दौरान रोहतक में वीटा के उत्पादों की हर गली मोहल्ले में डिलीवरी होगी। इस काम के लिए हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने विशेष वाहन तैयार किया है। रोहतक के उपायुक्त आरएस वर्मा ने इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक वाहन चलाया गया है, क्या उद्देश्य है, किस तरह काम आने जाएगा? लॉकडाउन के दौरान दूध की सप्लाई की और दूध से रिलेटेड जो हमारी छाछ है, पनीर है, मक्खन है, वो शहर में कोई दिक्कत ना हो, तो एक हमारा आपको मालूम है कि लोकल यूनिट डेयरी फेडरेशन की हमारी है, वीटा का मिल्क प्लांट है, तो वहाँ हमारे सफिशिएंट मात्रा में दूध और दूध से बने हुए पदार्थ उपलब्ध हैं, तो इनको डोर स्टेप पे उपलब्ध करवाने के लिए ये वैन पूरे शहर में वार्ड वाइज भेजी जा रही है और ये बिल्कुल वातानुकूलित है और इसमें हर समय हमारे प्रोडक्ट्स का ख़राब होने का किसी प्रकार की कोई चिंता या फिक्र नहीं है, तो लोगों को आसानी से उपलब्ध हो, डोर स्टेप पर उपलब्ध हो, ताकि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसलिए ये सुविधा शहरवासियों के लिए स्पेशल तौर पर उपलब्ध करवाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए सभी एनजीओ एक मंच पर आके काम करें, एकजुट हों और प्रशासन को सहयोग कर सके, इसके लिए क्या अपील है? ये हमने सब लोगों से अपील की है कि अलग अलग की बजाय इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के काम करें और अपनी सभी गतिविधियों से प्रशासन को अवगत रखें। इसके साथ साथ जो हमारा फूड पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए हमने शहर में दो बड़ी एनजीओज इसमें काम कर रही है और दो ही एनजीओज हमारे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम कर रही है और आपस में तालमेल बना करके ठीक प्रकार से चल रहा है। फिर भी अगर कहीं किसी स्तर पे इस प्रकार की बात आएगी तो हम पूरा तालमेल बना करके चलेंगे।